hspl.com और www.eduitspl.com एंकर टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद डिटेल आपका बंद नहीं हुआ, डिटेल्स क्लोज करेंगे। उसके बाद बंद नहीं हुआ, बड़ी नहीं बंद हुआ और HTML क्लोज नहीं हुआ। देखिएगा HTML ओपन हुआ, बड़ी ओपन है, डिटेल्स ओपन है ना, तो ये तीन वो ओपन है। तो डिटेल्स आपका आवर कंटेंट डिटेल्स हो गया। उसके बाद पी दिए स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ टैग, पी टैग मींस पैराग्राफ टैग स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ पार्टी सॉल्यूशन प्राइवेट एलटीडी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया। फिर आपका बीआर तो आपका क्लोज नहीं होता क्योंकि ये एम्प्टी टैग है। बीआर टैग इज एम्प्टी टैग, इट इज नॉट क्लोज। पैराग्राफ टैग ओपन हुआ, पैराग्राफ टैग क्या हुआ, बंद हो गया। फिर आपका देखिएगा उसके बाद डिटेल्स आपका ओपन था, यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर बड़ी आपका ओपन है, बड़ी क्या हो गया, क्लोज हो गया। एचटीएमएल ओपन है, एचटीएमएल क्लोज हो गया। और जब ये डिस्प्ले वाला छोटा सा स्पेस में आपको ये दिखाएगा, तो इस ऑनलाइन इमेज एंड फिगर को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिगर को हम ऑनलाइन कर सकते हैं एचटीएमएल बाय प्रोवाइड फिगर एंड फिग कैप्शन के द्वारा टैग टू डिस्प्ले इमेज एंड दियर कैप्शन टुगेदर ऑन द वेब पेज व्हाइल इमेज आर स्टिल डिस्प्ले यूजिंग img टैग के द्वारा। इमेज का होता है img और src सोर्स फाइल और इसका url। कल बताए थे कि कैसे करना है इमेज का सोर्स, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐसे। उसका हाइट और विड्थ द्वारा कॉम्बो कंट्रोल यूजिंग डिटेल्स, कॉम्बो कंट्रोल यूजिंग डिटेल्स करना है। कॉम्बो कंट्रोल यहाँ हो गया ही है आपका, कॉम्बो कंट्रोल्स यूजिंग डिटेल्स। डिटेल्स लिस्ट अलाउज क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम व्हिच द यूजर कैन सेलेक्ट ऑन टू फिल इन द टेक्स्ट बॉक्स। द टेक्स्ट बॉक्स कैन आल्सो एक्सेप्ट एनी वैल्यू टाइप्ड बाय द यूजर व्हिच इज नॉट देयर इन द डिटेल्स। सेलेक्ट टैग इन द अर्लियर वर्जन डिड नॉट हैव दिस फीचर, तथा सेलेक्ट टैग इन अर्लियर वर्जन। सेलेक्ट टैग क्या था, अर्लियर वर्जन में था मगर इस वर्जन में नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। कॉम्बो कंट्रोल यूजिंग डिटेल्स को इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल दे रहे हैं पॉइंट नंबर 6 का। एग्जांपल पॉइंट 6 का एग्जांपल है, यानी इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कॉम्बो कंट्रोल यूजिंग डिटेल्स का। तो इसमें एग्जांपल क्या है, देखिए कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे HTML बड़ी इनपुट का प्रयोग करेंगे, इनपुट टैग का, और इसमें लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे इक्वल। लिस्ट में क्या दिए, सिटी दिए, डिटेल लिस्ट देंगे आईडी इक्वल सिटी में, एक तरह से होगा ऑप्शन वैल्यू। अब यहाँ ऑप्शन वैल्यू देंगे कि कहाँ कहाँ का आपका होना चाहिए। ऑप्शन वैल्यू में दे देंगे इक्वल न्यू दिल्ली हो गया। फिर ऑप्शन इज ए टैग बट वैल्यू इज ए एट्रीब्यूट ऑफ ऑप्शन टैग। फिर हो गया इक्वल
मुंबई। फिर जितना हमको देना है वो ऑप्शन वैल्यू इक्वल चेन्नई हो गया। हम डिटेल्स लिस्ट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे डी डी डिटेल डी डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट आपका क्या हो गया, आईडी आपका साथी हो गया, एट्रीब्यूट हो गया डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट और ये डेटा लिस्ट, लिस्ट क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया और एचटीएमएल क्लोज हो गया। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, एचटीएमएल लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, इनपुट लिस्ट सिटी देंगे, डेटा लिस्ट आईडी में भी सिटी देंगे और ऑप्शन वैल्यू आपका मुंबई देखिए। आपको क्या हुआ, सबसे पहले डेटा लिस्ट ओपन हुआ, क्लोज हो गया, बॉडी ओपन था, बॉडी क्लोज हो गया, एचटीएमएल ओपन था, एचटीएमएल क्लोज हो गया। आपका एक ही चीज क्लोज होना चाहिए, अगर एक भी ओपन हुआ तो डेटा आपका नहीं दिखाएगा। उसे कहता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एसवीजी, कहता है स्केलेबल ग्राफिक्स एचटीएमएल प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग सिंपल लाइन ड्राइंग यूजिंग स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। कहता है एचटीएमएल फाइल्स प्रोवाइड ए पावरफुल पावरफुल ऑफ ड्राइंग वे ऑफ पावरफुल ड्राइंग ड्राइंग ऑफ लाइन वेक्टर एचटीएमएल प्रोवाइड्स पावरफुल ड्राइंग लाइन ऑफ वेक्टर यूजिंग स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एसवीजी ए टेक्निक टू ड्रा इमेज एज कंपोनेंट ऑफ ड्राइंग लाइक लाइंस रेक्टेंगल सर्किल एडीसी। कहता है रेक्टेंगल सर्किल आपको ड्रा करना है तो इसके द्वारा। अनदर फीचर ऑफ एसवीजी इज दैट द ड्राइंग कैन बी गिवन एनी साइज विदाउट डिस्टॉर्शन सिंस दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ पिक्सल। कहता है कि पिक्सल को यह कंपोज करकर नहीं बनाता है। लाइक इमेज इन जी आई एफ और जे पी जी इन फॉर्मेट, और इसमें कौन सा फॉर्मेट, जी आई एफ। कहता है जी आई एफ फॉर्मेट इज सपोर्टेड, मतलब पिक्चर इज मूवमेंट, मुझे इसमें एनिमेशन लगा जाएगा। एंड जे पी ई जी एंड जे पी ई जी फॉर्मेट डॉट जे पी जी डॉट जी आई एफ मिलेगा। लेट अस लॉग इन to draw SVG figure first you need to specify the dimension of the drawing. This is the SVG container tag tag with you. कहता है SVG is a container tag, यानी SVG जो है open होगा और dot dot SVG क्या होगा, close होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये SVG S और V स्केलेबल वेक्टर जो ग्राफिक्स है वो ओपन भी होगा। एस बी जी ओपन हुआ और ये क्या हुआ, एस बी जी क्लोज भी हुआ। यानी इसके जो बीच में ही इन दोनों के जो बीच में आपका होगा वो आपका कंटेंट होगा। ड्राइंग लाइन टू ड्राइ लाइन एम्प्टी टैग इज यूज्ड, लाइन है जो कि एम्प्टी टैग है, लाइन इज इज ए एम्प्टी एम्प्टी टैग, लाइन इज ए एम्प्टी टैग, यू नीड टू स्पेसिफाई टू पॉइंट्स बिटवीन व्हिच लाइन विल बी ड्रॉन। कहता है एक्स और वाई, यानी एक्स1 और वाई के बीच में जो लाइन होगा वो दो पॉइंट को निकलेगा। फिर आपका एक्स2 और वाई2 यानी दो को है जो कि लाइन है अधिक रहेगा। तो इस तरह से आपका ड्राइंग रेक्टेंगल टू ड्रा ए रेक्टेंगल रेक्ट, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्ट होता है। रेक्टेंगल का रेक्टेंगल को ड्राइंग करने के लिए रेक्ट, रेक्टेंगल को ड्राइंग करने के लिए क्या होगा, रेक्ट होगा। आर ई ट्रू ड्रा टू ड्रा ए रेक्टेंगल टू ड्रा ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्ट आर ई सी टी रेक्ट।
टैग होगा रेक्ट आर ई सी टी रेक्टर आर ई सी टी रेक्टर एम्प्टी टैग या एम्प्टी टैग इट इज नॉट क्लोज ये जो कि क्लोज है एक्स वाई टू स्पेसिफाई स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेट फिल स्ट्रोक एंड स्ट्रोक विड्थ इसका सब एट्रीब्यूट है एक्स वाई एट्रीब्यूट होगा ड्राइंग ए सर्किल सर्किल को ड्रा करने के लिए सर्किल नीड्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एंड डायमेंशन ऑफ द बाउंडिंग रेक्टेंगल विद इन व्हिच इट विल अपीयर एट द रेडियस इसको करना अगर सर्किल को ड्रा करना है तो ड्रा ए सर्किल तो ड्रा ए सर्किल अगर सर्किल को पाना है सर्किल सर्किल ड्रा करना है तो करना क्या है सर्किल को ड्रा करना है तो आपको एस बी एस बी जी बेड लिखना है विड्थ इक्वल सबको डबल कॉमा में नहीं तो ये नंबर समझेगा और हाइट एच आई जी एस टी हाइट इक्वल 500 आने से हाइट और विड्थ सब बराबर होना चाहिए अगर एक भी आपका गलत हुआ यानी दोनों में डिफरेंस हो गया तो सर्किल ड्रा नहीं होगा तो आपका सर्किल क्या होगा ड्रा आपका नहीं होगा।